तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, 35 ईयर कंप्लीट हुए आपके। और दूसरा जो ये जो आपने ऑर्गेनाइज किया है जिसमें मिसिस जो है वो जो कॉन्टेस्ट है, ये बहुत मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नई शक्ति देता है वुमेन को, जो ऑलवेज बिजी रहती हैं घरों घर में या चाहे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, तो निकल के कुछ चैलेंज मिलता है उनको, एंड दे रियली इंजॉय। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत सारी मिसिस ब्यूटी बैठी हैं यहाँ पे, तो मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेबी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नारी हीरा साहब को, कि उनका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत वेलकम है और बहुत अच्छा है, और आई एम श्योर सब लोग इंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पे। और ये अच्छी बात है कि लेडी को घर से बाहर निकालना, वो अपने आप में थोड़ा ध्यान दे, एक इस इज़ ए वंडरफुल कॉन्सेप्ट, आई एम रियली हैप्पी, बहुत अच्छी बात है, इस गुड थिंग। क्योंकि क्या है कि अभी भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने घर को पहले रखती हैं, जो कॉपरेट काम में नहीं जाती है या काम नहीं करती हैं, बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व है, अपने घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। तो वहाँ से जब कोई अपना समय निकालता है और उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे जाके कुछ करना है या स्टेज पे जाके कुछ करेंगे, या ब्यूटी तो उनका एक सबसे फेवरेट सब्जेक्ट रहता है फीमेल का, तो वो सब चीज़ देखें तो मुझे लगता है बहुत वंडरफुल कॉन्सेप्ट है ये। और सेबी जो है मैगजीन भी वुमेन के ऊपर है, तो मेरी सेबी को, नारी हीरा साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह की चीज़ सामने लाने के लिए। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आप वुमेन के लिए जो भी चीज़ें हैं उनके सामने लाते हैं, कुछ ऐसे क्रिएट करते हैं ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें उसमें, ये सेबी की सबसे बड़ी बात है। और आपके आर्टिकल्स भी जो फीमेल ओरिएंटेड रहते हैं वो भी बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है पूरा देश जो है एक इस चेंज को बहुत वेलकम चेंज समझता है, जिसमें हम नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, एंड दे आर रियली कमिंग आउट। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ उसका परफेक्शन बन जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनकी पार्टिसिपेशन भी आ जाती है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये बहुत ही कमाल का चेंज है हमारे हिंदुस्तान में जो हो रहा है, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। और बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज ऐसी हो रही हैं ताकि फीमेल जो हैं घर से बाहर निकल के अपने पसंद का काम कर सकें, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Even hair is done by my makeup artist Myopi, and fortunately this dress is designed by Lisa Malik, jo ki hoon main. So I like to design my own dresses for special occasions. So yeah, this is designed by me. So sir, aaj Sebi ki 35 years complete ho rahe hain, aur aap uski hissa bhi hain, to kitni khushi ho rahi hai aapko iski? Bahut zyada. Main jab se industry mein aayi hoon 10-12 saal se, Nari Hira sir aur sabko personally mili hoon, and they are doing a wonderful job. Bahut अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे मैगजीन्स हैं, एंड आज जो इवेंट है विच इज़ ऑन वुमेन, एंड इट्स मिसेस इंडिया, मिस इंडिया और मिस टीन क्वीन, ये सब तो होता रहता है, बट जब मिसेस वर्ड आ जाता है तो एक पावर पैक्ड फीलिंग अंदर से आता है, बिकॉज अ वुमेन हु इज़ मैरिड, अ वुमेन विद सब्सटेंस, जो माँ है, बहू है, बेटी तो मैं भी हूँ, और माँ नहीं बनी हूँ अभी तक, बहू भी बनूँगी जल्दी, बट आई फील एक औरत जो है जो ये सारे किरदार निभा रही है वो इट्स सेल्फ इज़ वेरी पावरफुल। सो पावर पैक नाइट होने वाला है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ ग्लिटर, एंड डैश ऑफ ग्लिटर इज़ नेवर फॉरगेटेबल, एंड आई कैन सी ऑल दीज वुमेन फिक्सिंग ईच अदर्स क्राउन, सो बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन लग रहा है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द कंटेस्टेंट्स। सेबी इटसेल्फ इज़ अ वेरी पावरफुल मैगजीन, सो मैं खाली उनको गुड विशेज देना चाहूँगी फॉर ऑल देयर फ्यूचर वेंचर्स एंड ऑल द एडिशंस दैट दे आर गोइंग टू प्रिंट। खुशी है मैं कहूँगा, क्योंकि जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि मेरी मॉम सेबी मैगजीन फॉलो करती है और ख़रीदती थी और उसे पढ़ती रहती थी। तो दो मैं सेबी को मैंने तो नहीं पढ़ा है, बट समहाउ क्योंकि वो हमेशा मेरे घर का एक हिस्सा रही हैं, तो मैं उससे एक जुड़ाव महसूस करता हूँ, सो इट फील्स ग्रेट। यस,
आई थिंक मम्मी और बाकी सारी मिसेज द पावरफुल 34 वुमेन जो आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उन सभी को सपोर्ट करने में यहाँ पे आ जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, और आपके जो सपने होते हैं वो हर उम्र में पूरा किए जा सकते हैं, सिर्फ आपके मन में जो है एक एक जोश होना चाहिए। और अगर आप सोचते हो कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं कैसे कुछ चीज़ें मॉडलिंग एक्टिंग ये कैसे कर सकूंगी एज अ वुमन, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके अंदर वो काबिलियत है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो आई थिंक एज इज़ जस्ट अ नंबर। और आज हमने देखा है हाउ 34 वीमेन आर हेयर टू कम्पीट फॉर मिसेज इंडिया और एंड दे आर ऑल डूइंग ब्रिलियंट। An amazing news, and I want to congratulate the whole team of Savvy for doing the amazing work from last 35 years, and I hope they still keep on continuing doing this for years to come. I wish them all the best, and to all the women out there who are participating for Mrs. India, I wish them all the best. मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि just keep at it and stay focused. And I saw so many girls, they're so beautiful, they are doing so well and they are so confident, and to see these women, you know, back in the days when I was young, all the married women just would stay at home and wouldn't be doing as much, and I'm so happy to see these women going out. So I just want to say that keep at it, all the best. The magazine, the name aapko pata hi hoga, Savvy Miss India. To ye jo hamari country ki jo ladkiyan hain, jo ladies hain, to unko upar pahunchane ke liye, like jo women empowerment, you know that हमारी जो लड़कियां जो काम करती हैं, जो स्पोर्ट्स में काम करती हैं, कॉर्पोरेट फील्ड में काम करती हैं, जो इंडस्ट्री में जो आज उनका दर्जा है, तो वो इज़ लाइक उन्होंने अपना ही एक लेवल बना रखा है। तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए उस और उन जो टैलेंटेड लड़कियां हैं, जो एफर्टलेस होती हैं, जो बहुत एफर्ट लगाती हैं चीज़ों में, उनको ऊपर रखने के लिए ये मैगज़ीन उनको प्रमोट करती है अच्छे से, को अच्छा एक लेवल पर अच्छा दिखाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन जो हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो स्टार्ट हुआ है, जैसे हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे बोल सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, जो घर घर में आज का हर एक यंगस्टर, चाहे लड़का या लड़की, वो हर एक बंदा उनको यूज़ करता है, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। तो ये जो इंस्टाग्राम हैंडल्स बनते हैं आज के दिन मैगजीन्स के, एक्टर्स के जो फैन पेज बनते हैं, वो हर एक घर घर में पहुँचते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर गाँव में रहते हो तो आप तक चीज़ें नहीं पहुँचेंगी, वो ज़रूर पहुँचेंगी। जी हम अगर हम मोटिवेट होते हैं तो हम क्यों मोटिवेट होते हैं, तो हमारा कोई ना कोई आइडल होता है जो हमें मोटिवेट करता है। हम किसी चीज़ को देख के मोटिवेट होते हैं। तो अगर हम किसी भी पोस्ट पढ़ते हैं या कुछ भी हम देखते हैं कि अरे लड़कियों ने वहाँ ये काम किया, लड़कियों ने वहाँ वो काम किया, तो ऑफकोर्स हमें पढ़ के वो एक अंदर से एक एनर्जी आती है कि अगर ये वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सबके अंदर एक पैशन होता है, सबके अंदर एक ये चीज़ होती है कि हमें ये करना है, बट वो किसी ना किसी एक चीज़ से दबा हुआ होता है। बस उन्हें अगर वो चीज़ मिल जाती है ना, अरे उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ ना, तो वो स्पार्क के साथ आएगा।